हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है निकेति कैटकेमेंट प्रोग्रामिंग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक कोड फॉल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं सॉलिड वर्क्स। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक रिवॉल्व बेस तैयार करेंगे, एक स्फीयर तैयार करेंगे जिसके ऊपर हम एक बॉल बनाने की कोशिश करें। मैंने जैसे एक सर्कल तैयार कर दिया, इसको हम टी डाया दे देते हैं। इसको जो है हम इसमें से काट देते हैं ताकि हम इसको रिवॉल्व कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमें एक्सेस ऑफ रेपिटेशन तय करना पड़ेगा क्योंकि ये है और हम 360 डिग्री रिवॉल्व करेंगे तभी ये एक स्फीयर की शेप लेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बॉल जो है इस तरह से तैयार हो चुकी है। इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे एक और रिवॉल्व। जैसे कि मैं फिर से एक प्लेन ले लेता हूँ और इसके ऊपर हम स्केच करेंगे। एक्चुअली से यहाँ पे कट करना था तो मुझे रिवॉल्व कट का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं प्लेन चूज करता हूँ, फ्रंट प्लेन मैंने चूज कर लिया। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े होल वहाँ पे करना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना ये तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिवॉल्व तैयार करना है वो आप उसके बारे में कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रख दे देता हूँ बस टायर की छोटी हमें इसको मैं ट्रम कर देता हूँ, इसको ओके कर लेते हैं। जैसे ही ओके हो जाएगा तो हम यूज करते हैं एक कट की तरह। देखिए आपको कट तैयार हो चुका है। हम इसी कट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैटर्न कमांड का, जिससे हम ये कट जो है इसको पैटर्न करना पड़ेगा। तो पैटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सर्कुलर, एक्चुअली सर्कुलर पैटर्न नहीं, लॉन्ग टर्म पैटर्न यूज़ करेंगे और इसके लिए मुझे यहाँ पे कर्व भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे एक और सर्कल तैयार करता हूँ फ्रंट प्लेन लेके, और फ्रंट प्लेन लेके मैं यहाँ से एक बार यहाँ पे मैं कर्व तैयार कर लेता हूँ। इसके अलावा मुझे पैटर्न करना है। देखते हैं मैंने एक कर्व तैयार किया है जिसके हम चाहिए हमारा जो रिवॉल्व कट था उसको पैटर्न करना है। इस तरह के एक कर्व होना चाहिए। इस कर्व को हमें यहाँ पे मैं कर्व ड्रिवन पैटर्न यूज करूँ। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन में ये कर्व यूज करेंगे हम। यहाँ चूज करते हैं हमारे पीछे से पैटर्न है, पीछे से पैटर्न में यूज करूंगा। अब यहाँ पे हमें दूंगी इसे मैं 5 दे देता हूँ और साथ में हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 20। ये हमारा चार वाला
यहाँ पर मुझे अलाइनमेंट के लिए एक इंजन तो का यूज़ कर लेता हूँ। देखिए ये अलाइन हो गया है, अब इसी को मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पे हमारी क्रैंक तैयार हो गई है, अब हम फिर से इसको यहाँ पे मैं एक कर्व पैटर्न फिर से तैयार करूँगा। पहले इसको मैं सर्कुलर पैटर्न करूँगा, सर्कुलर पैटर्न ले लेते हैं। फीचर्स में हम यूज़ करेंगे कर्व के, कर्व पैटर्न जो हमने किया था उसी को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें टेम्परेरी एक्सिस में ऑन कर लेता हूँ। और टेम्परेरी एक्सिस में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक्सिस हमारी वाली आ रही है, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे जितनी आपको ये चाहिए फाइव अपन यूज कर लेंगे। स्किप में जितने हमें चाहिए उतने हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके जैसे कि हम देख पा रहे हैं कितने यूज कर सकते हैं, 8 डिग्री पे तो एक इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है अच्छे से, तो हम इसको ठीक करने के लिए पिछले कर्व पैटर्न में जाते हैं। इस तरह क्लिक करके हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है स्टेंसिस टू स्किप, स्टेंसिस टू स्किप में मैं इसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे इसको स्किप करके हम 5 यूज कर लेते हैं। हमारी बॉडी बन रही है। अब सर्कुलर पैटर्न को हम क्या करेंगे, हम मिरर कर सकते हैं। लेकिन मिरर के लिए पहले मुझे प्लेन चाहिए, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई हमारे पास प्लेन है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे मिरर में जाता हूँ, फीचर्स टू पैटर्न सर्कुलर पैटर्न यूज कर लेता हूँ। देख सकते हैं इस तरह से हमारी तैयार हो गई है। अगर इसमें थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो सर्कुलर पैटर्न में भी जाके एडिट कर सकते हैं। थोड़ा मेरा पीसी स्लो है जिसकी वजह से आपको थोड़ा ये स्पेंड देखने में टाइम लगा होगा। 8 की जगह मैं 9 कर देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा नज़दीक ना आए, जितना ज़्यादा नज़दीक आएंगे उतना ज़्यादा वो आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं तो हमारे पास ये तैयार कुछ करते हैं। फुटबॉल को जो है हम और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसमें सिलेक्ट लगा सकते हैं और इसको और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे आना यहाँ देख सकते हैं। कोशिश करते हैं सारी जो है हमारे ये जो देखते हैं देखते हैं। ओके ये हमारी बॉल तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम कोई गोल्ड बॉल जो है
वो इसमें डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग हाँ आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपकी क्वेरी है वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।